दोस्तों इस तो पहला कि मैं भगवंत की बदकलामी का जवाब दें ठोक बजा के कले कले नुकते ते दूंगा, उस तो पहला मैं ये भंडपुणे का तुहाडे नाल एक दो छोटिया छोटिया वीडियोज शेयर करनी, जरा मेरे नाल बने रहो कि किस तरह ये सारा एक जो हड़ आए हुए ने उहदे च किदां ये पहला स्क्रिप्ट लिखते ने, फिर स्थान चुनते ने, फिर फ्रॉडुलेंट बंदे चुनते ने, फिर उत्ते किश्ती लैके जाता है और उस बंदे नूं फिर किश्ती उत्तों उहदे नाल गलबात करके ऐ शो कर रहा कि मैं तां तुहाडा ही बच्चा तुहाडा ही मुंडा, यह सारा फ्रॉड है। और इहदे इहनूं मैं बकायदा तौर पर प्रूफ समेत तुहानूं दिखाउण लग्गिया वां कि किस तरह यह सारी ड्रमैटिक स्टोरी आ, किस तरह इस पूरा स्क्रिप्टेड एक सिस्टम बनाया, जिदा इन्हें पहला एक बार पजामा लपेड़ा से वह भी फोटो ऑप से सारा संगरूर जो पहला च गया वा। आ जरा एक वीडियो देखना, ये वीडियो है जी, ये पिंड मैं तुहानूं जिक्र करन लग्या वा, फत्ता कुल्ला पिंड है। भगवंत मान 17 तरीक नूं यानी कि परसों टांडे हल्के दे विच जांदा वा, और ये टांडे हल्के का आम आदमी पार्टी का MLA हैगा राजा गिल। जिहड़े आदमी नूं ये कोठे तो गल्लां कर रहा ना, किश्ती दे विच जांदा, किश्ती तो खड़ के कोठे ते गल कर रहा कि मैं आ गया, तुसीं परवाह नहीं करनी, घबराउणा नहीं, तुहानूं कल्ले कल्ले नूं कढ के लैके जाऊंगा, वो जिहड़ा आदमी आ वह एक दिन पहला 16 तरीक नूं राजा गिल दे नाल किश्ती च बैठ के पूरा सफर कर रहा है, घूम रहा सारे इलाके दे विच। उस बंदे दा नाम हैगा वा तरसेम एलियस सीमा, पुत्र गुरदयाल सिंह, पिंड फत्ता कुल्ला जिहड़ा कि रड़ा टाली दे लागे पिंड पैंदा, साडे लागे नजदीक ही पैंदा वा। और ये सारा किदा ड्रामा करदा हुण तुसीं एक बार देखो पहला। आ जिहड़ा बंदा है तुहानू दिस रहा, यह सीमा वा, आ जिहड़ा बैठा नाल बैठा राजा गिल MLA, किश्ती च पहला एक दिन पहला जा रहे ने, सफर कर रहे ने, और बैठा राजा गिल हरी पग वाला, ते आ जिहड़ा मस्टर्ड जी टर्बन वाला हैगा पीली पग वाला, ये सीमा है। आ ठीक है, हुण अगली वीडियो तुसीं इहनां दी देखो, जिहड़ा भगवंत मान फिर ड्रामा करदा उत्थे जांदा वा। एक मिनट थोड़ा मिसहैप हो गया लिटिल बिट, भगवंत मान की वीडियो तुम्हें दिखा रहा वा, उस सीमे को जाता है यह। एक कोठे ते सीमा खड़ा वा, तरसेम एलियस सीमा, पिंड फत्ता कुल्ला, हलका टांडा, जिला होशियारपुर। यह 17 तरीक नूं सारा ड्रामा किया गया, एक फिक्स्ड मैच जिहनूं कहिंदे ने, नाटक किया गया। यह तो बंदा पहले घूम रहा वा, एक दिन पहला राजा गिल MLA टांडा दे नाल घूम रहा है ऑलरेडी, एक दिन पहला बोट विच। तुहानूं मैं वीडियो वीडियोज भी शेयर कर दूंगा मैं सोशल मीडिया के उत्ते, फेसबुक के उत्ते, ट्विटर से भी कर दूंगा, तुसीं देख लेना। आ नौटंकी इस बंदे की, आ तुसीं देख सकते किदां गवर्नमेंट ने अरेंज किया, पहला बोट च जा रहा, पिछे म्यूजिक भी दिता होया वा। यह सारा फ्रॉड है पंजाब के लोगों के नाल, 50 तो ज्यादा व्यक्ति पंजाब के हड़ां दे विच मर चुके ने, 50 तो ज्यादा, तो लखां एकड़ जमीन खराब हो चुकी है। पैसे दे देंगे, मुर्गियां नूं पा देंगे, बकरियां नूं पा देंगे, भेड़ां नूं पा देंगे, एक नवे पैसे की हेल्प नहीं गई, एक नवे सारा आपे आप लोगों ने समझाया। हुण मैं तुहाडे नाल गल करना, इहदा जिहड़ा पहली गल तां मैं इत्थे कहना चाहुंदा कि यह हले भी उस भंडपुणे चों आ जिहड़ा झंडा अमली ते पता नहीं की जुगनू इहदा करैक्टर सी, इह उहदे चों नहीं निकल रहा। इसे तरीके नाल सरकार सोशल मीडिया ते पंजाब दे लोकां नूं बेवकूफ बना रहा वा। पहला इहदी अच्छी तरह इहदी असलीयत पहचानण की कोशिश करो। हुण इहने आण के क्या वा मेरे वाली वीडियो तेरे को नहीं होनी मनीष, जिहड़ी जिहदे च मेरे खिलाफ बोलदा है, किथे आ एक मिनट दिखाई दे रहा, मैं अपने फोन सेव कीती सी ना, मेरे वाले फोन सीगे, हुण अल्टीमेटली साडा दूजा फोन चल नहीं रहा सीगा। मेरे मुतलक ते कुछ ओपोजिशन दे लीडर्स दे खिलाफ की बोलदा वा वो जरा तुहानूं सुणाउणा। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਰਸ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਿਕਚਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਕਚਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਬਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿ ਚੰਨੀ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਪਾਉਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੋਤੇ ਤੇ ਦੋਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਪੋਤਿਆਂ ਦੋਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਆ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਸਾੜਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਮੁਤਲਕ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੁਤਲਕ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਉਸਕਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ MLAਆਂ ਨੂੰ MPਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈ 3.25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਲੈਕਟਿਡ MLA ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕੋਈ ਊਲ ਜਲੂਲ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮਸਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਤੋੜੇ ਨੇ ਆਹ VIP ਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹਾਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਗਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੈਕਸਸ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦਾ ਅਖੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਵੇ ਉਹ ਜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ MLA ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ NRA ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਡ ਗੋਲਡੀ MLA ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 92 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਪਟ DDPO ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ DDPO ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ADC ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਕੇ 92 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਠੋਕਿਆ ਸੋਮਰਾਜ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਵਗੈਰਾ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਗੱਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ NSA ਲਾ ਕੇ ਆਸਾਮ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ BJP ਨੇ ਉੱਥੇ NSA ਲਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
किसी दे एनएसए लगी उथे मणिपुर दे विच हुणे ताजा बहुत होए ने की कहिंदे हुंदे ने जी दंगे होए ने उथे मुसलमाना दे उते बहुत तशद्द ढाया गया नू जिहड़ा हैगा वा हरियाणे दा इलाका फरीदाबाद दे नाल है शायद उथे किस तरह दे नाल उहनां नू धरड़िया गया किसी बंदे दे एनएसए लगी बीजेपी ने लाई उथे ते केजरीवाल आप कहिंदा वा कि हमने और मिलके बीजेपी ने ऑपरेशन किया और हमने एनएसए लगाई और हमने गिरफ्तार किए आदमी और हमने उनको आसाम में जेल में भेजा। तुसी बीजेपी के हाथ ठोकते हो उदा तुसी लड़दे होंगे 100 बारी मैनू नहीं पता लेकिन तू डरदा होना तो बीजेपी तो अपनी गद्दी बचाउण वास्ते तू साडे नौजवानां दे उत्ते एनएसए ला के उन्होंने आसाम किस अधिकार दे नाल भेजा वा यह समझा। 12 महीने उन्होंने उत्थे रहना वा उन्हां दी कोई दलील नहीं कोई अपील नहीं कि इसलिए तेनों चीफ मिनिस्टर बनाया पंजाब दे लोकां ने वोटां पाईआं ना तेरे सिर ते कोई दस्तार दे थल्ले ना तेरे कोई केस है ना तेरे तू अपने नाम दे नाल सिंह लिखदा वा मैनू तो लगता तू पग भी आप नहीं बनता तू कोई होर बंदा रखा पग टोपी वर्गी पग तेरे सिर ते लिया के रोज रख दिंदे ने आ तेरी करतूत है ते तू दूजिआं नूं टिचना करदा यार कोई शर्म कर अंदर अपने झात मार। और मैं कहना चाहना मैं 100 बार मेरे च नुक सुख सकदे मैं काला हो सकदा रंग दा पर मैं कदी अपनी मां दी सौं खा के जनता दे विच उहदे सिर ते हथ रख के उहदी सौं तोड़ के शराब नहीं पीती भगवंत। मैं कदी शराब पी के बरगाड़ी दे गुरु ग्रंथ साहिब दे कठ विच नहीं कदी गया मैं कदी शराब पी के तलवंडी साहिब उहदे तख्त दमदमा साहिब दे गुरुद्वारा विच जनतक तौर ते नहीं कदी गया मैं कदी शराब पी के पार्लीमेंट विच नहीं वड़िया तेरे अपने कुलीग्स ने उत्थे कहा कि इहदे तों स्मैल आउंदी भगवंत मान नूं कढो इहनूं पार्लीमेंट दे विचों बाहर और तू असैंबली च वी शराब पी के आउणा सारे एमएलए नोट करदे ने कित्थे तू शराब पी के तेनूं डिगदे देखिआ तेनूं लोकां तू रोटी खाना तेरी बुरकी इधर नूं जांदी आ तू दूजिआं नूं टिचना करदा यार दूजिआं नूं टिचना करन तों पहलां अपने अंदर झात मारो कि तुसीं हैं कौण हो तुसीं किन्ना लोकां नाल धोखा कीता क्या की सी ते कर की रहे हो पंजाब दे विच। और मुद्दिआं दी गल करदा लै मेरे नाल मुद्दे ते बहस कर जिहड़ा मैं बिल दित्ता तेनूं कि पंजाब दे विच हिमाचल प्रदेश राजस्थान अते गुजरात की तर्ज ते गैर पंजाबियों नूं जमीन खरीदण की आग्ञा ना दित्ती जावे। बिल मैं जनवरी 2023 नूं मैं ते सरदार प्रताप सिंह बाजवा तुहाडे स्पीकर संधवा नूं मिल के दे के आए हुए हां तुहाडे च जान नहीं कि तुसीं ओह बिल इंट्रोड्यूस करो क्योंकि तुहाडे उत्ते राज करन वाले हैगे ने राघव चड्ढा ते आ तुहाडा केजरीवाल ते जिहड़े गैर पंजाबी ने तुहानूं करन नहीं दिंदे क्योंकि ओह चाहुंदे ने कि वध तों वध गैर पंजाबी पंजाब दे विच। साडा मकसद इह सीगा कि साडी आबादी विदेशां विच जा रही है अज दी डेट विच तकरीबन चौथा हिस्सा आबादी साडी शिफ्ट कर चुकी है उहदी जगह दे उत्ते जिहड़ा आउंदा ओह आउंदे सार ही मालिक बन जांदा जमीन दा गैर पंजाबी ते नाल वोटर बन जांदा वा। असीं नहीं किसी के खिलाफ आण के काम करन कमाइयां करन 100 वारी करन सानू कोई इतराज़ नहीं गल लेकिन हिमाचल प्रदेश दे एक कानून बनाया होया कि अगर तुसी जमीन खरीदनी है अगर तुसी इत्थे मालिक बनना हिमाचल प्रदेश विच तुहानूं इन्नियां शर्तां पूरियां करनियां पैणगियां। उहदे नाल की हुंदा कि साडी डेमोग्राफिक सिचुएशन साडी आबादी दा संतुलन साडी पग साडी आइडेंटिटी क्योंकि जिहड़ी स्पीड नाल लोकी कैनेडा जा रहे ने जां अमेरिका जा रहे ने इह अज तों 15-20 साल बाद इत्थे पग ते सिख ते पंजाबी तुहानूं उदां ही नहीं लभणे। और मैं और कुछ लोग कहिंदे जी आपां नूं कनेडा भी सहारा दिंदा अंडरस्टैंड करो कि कनेडा दी ओरिजिनल पॉपुलेशन शिफ्ट नहीं हो रही वो कनेडा च बैठे ने उन्होंने काम करने वास्ते बंदे चाहिए ने सारे देशों चों मुल्कां दे विचों बंदे लेके आ रहे हैं लेकिन साडी पंजाब दी ओरिजिनल पॉपुलेशन शिफ्ट कर रही है दूजे देशों में जा रही है कि यह मुद्दा नहीं है भगवंत मान कि तुसीं यह बिल क्यों नहीं लियांदे तुसीं लोगों को दसो कि कारण है कि तुसीं पंजाब दी विधानसभा विच बिल इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे जे गुजरात ने किया है प्राइम मिनिस्टर की स्टेट ने जे हिमाचल ने किया है 1972 का उत्थे कोई पंजाबी जिहड़ा सॉरी गैर हिमाचली जाके कोई जमीन नहीं ले सकता उन्होंने अपने छोटे छोटे बगीचे बचा ले उन्होंने अपनी होंद बचा ली जे कि वह हिमाचल में अलाओ कर देंगे तो हूँ सारे छोटे बाग जो कुछ बिग्या के बाग ने आम हिमाचलियों के वह सारे दिल्ली से बॉम्बे से कैलकटा के अमीर आदमियों ने चक लेने से इसको कहते हैं दूरअंदेशी ये मुद्दा नहीं है। और मैं भगवंत को पूछना चाहना कि तू पाकिस्तान के नाल बॉर्डर खोलन का विरोध क्यों करता वा कि यह बीजेपी की लाइन नहीं है कि साडा पंजाब जिहड़ा वह बच सकता जे पाकिस्तान के नाल बॉर्डर ना खुले वह बच ही नहीं सकता ना इतने खेती कामयाब हो सकती ना इतने इंडस्ट्री कामयाब हो सकती क्योंकि असी देश के सिरे के उत्ते बैठे साडे कोल कोई बंदरगाह नहीं है। मैं असी प्रोपोगेट करते हैं कि पाकिस्तान के नाल बॉर्डर खुलना चाहिए व्यापार का क्योंकि पाकिस्तान तो अगे सारा सेंट्रल एशिया रूस तक बहुत वड्डा इलाका जिथे साडी हर फसल का हर जिनस का 2 तो 3 गुणा उसकी कीमत है साड़ी इंडस्ट्री के जड़े प्रोडक्ट्स बनने उन्हों की कीमत सेंट्रल एशिया की मार्केट जी इतों सड़क राही पहुंच की जा सकती है उन्होंने कई गुणा
उन्हां नूं कमाई उन्हां दी वाधा हो सकता वा, पर क्योंकि बीजेपी की विचारधारा कि पाकिस्तान नाल पिछा पा के बॉर्डर बंद रखो उहदा खमियाजा पंजाब भुगते असी अपनी वोटां सारे देश की यह बीजेपी की नीति नूं तुसी सपोर्ट नहीं कर रहे। और इस तों इलावा मैं पुछना चाहुंदा कि आ जिहड़ा हुण फ्लड्स आए ने, मैं पहला भी गल की है 50-60 बंदे मर चुके ने, दो बंदे हल्का भलत दे मर चुके ने, एक नवीं दवानी किसे नूं दित्ती है सवाई फोटोआं खिचाउण तों, सवाई ड्रामे करन तों, सवाई पजामे लबड़न तों, कुछ कीता तुसीं? नथिंग। और जिहड़े मुद्दे होर पंजाब दे ने, करप्शन की गल करते आ जिहड़ा कटारू चक हुणी करदे ने कुलदीप धालीवाल ने, आ जिहड़े 92 किले उत्ते गैर कानूनी कब्जा कीता, करप्शन नहीं तो होर की है? तुसीं कच्छ च हथ दे के फोटोआं खिचा के बोर्ड लाए ने सारे पंजाब दे विच, आखे जी असीं भ्रिष्टाचार पंजाब बंद करता, आ जिहड़े तेरे MLA रोज आ NRI की कोठी ते कब्जा कर रही है बीबी, जां सरकारी जगह ते कब्जे कर रहे ने तुहाडे MLAs, एक ए करप्शन नहीं तो होर की है? अज पंजाब दे थाणिआं तहसीलां विच तूं झूठ बोलदा वा, सारे पंजाब दे थाणिआं तहसीलां च गमाडा ते पूडा विच अग्गे नूं वध करप्शन है पंजाब दे, जाके चेक कर लो। अगर पहला अखे जी स्टिंग लैके जाया करो, कैमरे लैके जाया करो, भ्रिष्टाचार की सानू रिपोर्ट दो। मैं माड़ा जा अपना कैमरा लैके चले गया SGM दे दफ्तर ते मेरे परचा दर्ज करता, आ तेरी करतूत है, तू हुण सिर्फ पुलिस के सहारे ते बड़का मारदा ना, दैट इज ऑल। जिहड़े तेरे विरोधी उन्हां दे उत्ते परचे दर्ज करा, मेरे 3 परचे दर्ज किए मेरे सत्कारयोग वीरों ते भैणों, 50 साल पुराना रिकॉर्ड कट के मेरे परिवार का, जिहड़े तबादले मेरे अपनी सखी भैण नाल अपने भूआ दे मुंडे नाल, उह FIR दर्ज है मेरे उत्ते। और कितों जमा लई है शिकायत? जिहदी जमानत जब्त हुई है भलत इलाके च, 2 वार जमानत जब्त आदमी है उहदे कोल शिकायत ले ली है। मैं तुहानूं हुण किहड़ी किहड़ी गल इहदी करतूत दसां, जिहड़े गरीबां दे जिहड़े साडे हैगे ने स्कॉलरशिप के पैसे वह फसे हुए हैं, आंगनवाड़ी दी तनखाह 11 महीनों तो गरीब औरतों नहीं मिली, आ जिहड़ा 750 करोड़ रुपया तू जाया कर रहा मीडिया के उत्ते, अगर ये 700 करोड़ रुपया साडे बन्नां नूं मजबूत किया हुंदा ये फ्लड्स आने नहीं सी। रोज कही जांदा ये तो कुदरती आफत है, जे कुदरती आफत नहीं है मेरे वीरो, ये सरासर मैन मेड डिजास्टर है। सबनों पता कि हड़ आउंदे ने, 1988 च आए ने, 2013 च आए ने, 2019 च आए ने, हर साल फ्लड कंट्रोल प्रिवेंटिव मेजर्स की मीटिंग होंदी है जनवरी फरवरी दे, वो मीटिंग ही नहीं की आपां। और जिहड़ा 750 करोड़ रुपया तू सारे देश में पबलिसिटी से लुटा रहा पंजाब का, अगर 700 करोड़ रुपया इरीगेशन डिपार्टमेंट नूं दे के जिहड़ा साडा 900 किलोमीटर बन ने दरियावां दे, रावी दे, ब्यास दे, सतलुज दे, चिट्टी वेई दे, घग्गर दे, अगर ये में मजबूत किए होंगे टुटते ना, ये बन टुटण दे करके सारा जिहड़ा पंजाब दे विच खराबा मकान और पशु ये जिहड़े मरे ने ये बन टुटण करके होए ने, बारिश करके नहीं होए। जो डैमां दे विच पानी उत्ते वध जांदा, उह पानी जदों छड्डदे ने, अगर साडे बन मजबूत होण, आ साडा जिहड़ा भलत इलाके दा बन है, क्योंकि असीं तकरीबन 30 किलोमीटर सड़क मैं बनवाती सी श्री हरगोबिंदपुर के पुल तो लैके ढिलवां के GT रोड के पुल तक, वो टुटिया नहीं गा बन, क्योंकि एड्डी मजबूत सड़क बनी है, और उतो पहला 2 फुट भर्ती पई उहदे ते बन मजबूत हो गया। अगर 700 करोड़ रुपया जिहड़ा तू मीडिया से जाया कर रहे, लुटा रहे हो, सिनेमा हॉलों में पबलिसिटी कर रहे, एयरपोर्टा से पबलिसिटी कर रहे हो, अगर ना जाया कर दे तो साढ़े बन नहीं सी टुटने, तो 60 मौत नहीं सी होनिया, तो लखा एकड़ जमीन तबाह नहीं सी होनी। कि ये मुद्दे नहीं हैं? और इस अलावा जिहड़े रोजमर्रा दे मैं मुद्दे चकदा विधानसभा, ना तुसीं उत्थे कोई गल चकन दिंदे, सारे कैमरे अपने लाए हुए ने, स्पीकर अपना हत्थ टोका बिठाया वा, वो माइक ऑफ कर दिंदा, नाल ही कैमरा चक के परले पासे लै जांदे, तुसीं इसनूं लाइव कवरेज कहिंदे आ? तुसीं किहड़ा वायदा अपना तोड़िया नहीं गा, यह दस्सो मैनूं जरा, एक एक वायदा तुसीं तोड़िया वा, तुहानूं लोक रोज वीडियोज़ पा पा के चेते करा रहे ने। लै हुण मेरी अखीर विच तैनूं चुनौतियां, जे हुण तेरे च जान आ, अपना 1000 आदमी नाल सिक्योरिटी दा लै, तो अपना बिकाऊ मीडिया भी लाई जरा तेरे को रोज तेरे गुणगान करते हैं, जो चैनल ने तुम सारे जानते हो कि बिकाऊ मीडिया, जो बड़े इनकलाबी बनते होंगे यादविंदर अर्गे, प्रो पंजाब अर्गे, तो आ न्यूज 18 अर्गे, तो होर चैनल फिर ना नहीं लेंदा, फिर बड़ा बुरा मनाते हैं, रोजाना स्पोक्समैन, प्राइम एशिया, सारे सारे नाल लैके आई, तो मैं दस कितने आवा, मैं जगह तो समा भगवंत तेरा, मैं आऊं कला, आऊंगा सिंगल मैन, तो जे तेरे जाना मैं ना खुली बहस कर ला सारे मुद्दों के उत्ते, जिहड़े मुद्दे तैनू चंगे लगते हैं, जिहड़े केजरीवाल नूं चंगे लगते हैं, लिया उत्थे पब्लिक की डोमेन दे विच आपां बहस करिए, तो फिर तेरा पता लगेगा कि तेरे च कितनी जान है। वरना आ जिहड़ा तुसीं ड्रामा करते हो ना वोट्स के उत्ते चढ़ के, एक बार फिर देखो तुसीं किस तरह ये सारा ये आ, एक बार वीडियो मैं फिर दिखाना चाहुंदा जान के, आ जिहड़ा हरी पग वाला बंदा, ये तरसेम एलियस सीमा पुत्र गुरदयाल, पिंड फत्ता कुल्ला, हलका टांडा, जिला होशियारपुर,
आ दूजी पग जी बनी है वह राजा गिल बैठा वा एम एल ए 16 तरीक न भगवंत मान दे आने तो पहला एक घूमरे ने बेड़िया के मौजा कर रहे ने जैकटा पा के ते फिर ड्रामा रचने वास्ते अगले दिन 17 तरीक न भगवंत मान ड्रामा करता पूरी वीडियो बनाई जाती है फोटो ऑप्स किया जाता शूट किया जाता फोटो खिंची जा कोठे ते खड़ा सेमा ही है आ साडा पंजाब दा नवा एक ड्रामेबाज एक नौटंकी एक जुगनू झंडा पंड आ साडा चीफ मिनिस्टर ते इहदे च इन्नी हिम्मत है कि यह अपने विरोधियों के प्रति अपशब्द वरते बस इसे करके मैं लाइव होना सीगा तुसी साडे नाल जुड़े हो मैं सब कुछ तुहाडे सामने थ्रेड बेयर रखता एनएसए तो लैके पाकिस्तान के बॉर्डर तो लैके पंजाब च नॉन पंजाबियों नूं इत्थे एक कानून बनाया जाएगा उन्होंने एकदम इजाजत ना दी जाए राजस्थान से हिमाचल की गुजरात की तर्ज से सारे मुद्दे थोड़ी डोमेन च रख दते बाकी जो किसान ने खुदकुशियां हो रही हाँ नशा कुल चलिया आ कहिंदा केजरीवाल इलेक्शन तो पहला 3 महीने में नशा खत्म कर देंगे 17 महीनों बाद जो रोज बच्चे मर रहे ने मेरे अपने इलाके के रायपुर पीरबाग से 2 बच्चे ओवरडोज के इको थां हमीरे जीटी रोड के उत्ते इको पुल के थले पाए गए हमने पिछले दिन तुम्हें दिखाया सोशल मीडिया उत्ते इदा पता नहीं किन्ने दर्जना सैकड़े बच्चे मार चुके ने 17 महीनों हूँ उठ के कहता 1 साल सानू होर चाहिए अगले 15 अगस्त तक मैं नशा खत्म लै एक अगला साल भी ले ला भगवंत एक अगला साल भी ले ला जे तेरे तो नशा मुक जाए तो मैं देनदार हूँगा इन्ना झूठ यार 24 घंटे झूठ बोलते हो पंजाब तो बहर जाके कहने भ्रिष्टाचार खत्म करता राम राज बनाता इतने किसान खुदकुशियां कर रहे ने खेत मजदूर मर रहे ने नशे ना बच्चे मर रहे ने फ्लड्स आए हुए ने 60 बंदे मर गए ने हजारा लखा एकड़ जमीन खराब हो गई है पता नहीं किन्ने पशु मर गए ने बस झूठ बोली जाते हैं कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया है पंजाब तो बहुत हमने स्वर्ग बना दिया है हाँ इन्हों की करतूत है मेरे वीरों थोड़ा मैं गुस्सा सगा क्योंकि इस बंद ने अगे तो इन्हू अपनी जुबान संभाल के गल कराया कर सू सब पता वा कि भाषा मैं देना नहीं चाहता इस भाषा जवाब बट ये मैंने लगता कि इन्होंने भाषा ही समझ आती सो साढ़े जुड़ने अज थोड़ा सारा का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता अगर गल्ला ठीक लगी आ जड़िया इन्हों भेडा टाइप बंदे ने उन्होंने मेरी बेनती कि साड़ी वीडियो तो परे रहा करो क्योंकि कभी वारी नहीं आनी जो कोई नौकरियां देनिया गैर पंजाबी आ 404 वैटनरी इंस्पैक्टर रखे 134 हरियाणा के राजस्थान के रखे तुम एवं लड़ी जाए सभा के मैंबर बनाने तो सारे गैर पंजाबी अमीर आदमी लवली यूनिवर्सिटी वर्ग कोई संदीप पाठक कोई राघव चड्डा थोड़ी तो नहीं कभी वारी आनी तुम तो लड़ने रखे हुआ सा लड़ो साडा साथ दिओ पंजाब दा साथ दिओ ताकि आप अपने सूबे नूं अगे अच्छा बना सके एक बार फिर तुहाडा सारा जुड़न लई बहुत बहुत शुक्रिया धन्नवाद जी।